कितना पैसा मिली आज अंदर हो गया हाँ तो पीछे रहेंगे तब ना साथ में भाई। जौनपुर में ब्लॉक प्रमुखी की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। दरअसल जौनपुर के रामपुर ब्लॉक में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। वर्तमान ब्लॉक प्रमुख नीलम सिंह के खिलाफ राहुल सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। इस दौरान डीएम ऑफिस के सामने जमकर लात घूसे भी चले। गमछे से घेर कर बस से बीडीसी को लाया गया। डीएम ऑफिस के सामने हड़कंप की स्थिति बनी रही। अपर जिला अधिकारी वित्त राजस्व राम प्रकाश ने अविश्वास लाने का कारण पूछा। इस दौरान बीडीसी ने अविश्वास लाने के कारण को स्पष्ट किया। इस दौरान 56 बीडीसी के प्रस्ताव तस्दीक हुए। क्या मामला है, किस लिए आया जी? मैं ब्लॉक प्रतिनिधि रामपुर शांत और आज यहाँ पे मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो दाखिल किया गया है। कुछ माफिया किस्म के लोग हैं जो कमज़ोर और वर्ग के बीडीसी जो हैं, एससी समाज के हैं, जो मुसहर समाज के हैं, उनको कुछ पैसे की लालच देके उनको उठा ले गए। उनके अपने घर पे पिछले 15-20 दिनों से रखा हुआ है। और रामपुर ब्लॉक में पिछले एक साल में जितना कार्य मैंने कर दिया आज तक कभी नहीं हुआ था रामपुर ब्लॉक। ये तो खाली एक साजिश है कि मतलब वो हार गए मुझसे तो उसकी एक रंजिश ले रहे हैं। मिर्जापुर के बाहुबली का नाम सामने आ रहा है, इसमें क्या कितना सटीक? हाँ, ये जो मैं ये नाम तो आ रहा है क्योंकि जो प्रत्याशी है वो उन्हीं का नाम ले रहा है कि हमें उन्होंने भेजा है, हम उन्हीं के लिए काम करते हैं। इस संबंध में क्या अधिकारियों से बात हुई? जिला के अधिकारियों से? अधिकारियों के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं, देखिए क्या होता है, नया किस तरीके से। कितने बीडीसी अभी आपके साथ हैं? मेरे साथ सारे बीडीसी हैं। इन्होंने कुछ बलगला के पैसे दे के उनको ले गया है। जिस दिन वो घर आ जाएंगे वो सब मेरे पास आ जाएंगे। वो सब मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं। पूरे टोटल रामपुर ब्लॉक में 100 बीडीसी हैं, ठीक है। मेरे साथ सारे बीडीसी हैं, मैंने जैसे आपको बता दिया है। जो 7-8 बीडीसी ले गए हैं वो मुसहर समाज और एससी समाज के लोग हैं। उनको कुछ पैसे की लालच देके 15 दिन से उनको कैद करके सोनभद्र में रखा गया है, ठीक है। फिर वो आज यहाँ पे लाए, उनकी परेड कराए, लेकिन जिस दिन वो अपने घर पे पहुँच जाएंगे वो लोग मेरे पास आ जाएंगे। आज 56 लोगों ने यहाँ पे अपना मैंने वही बताया कि इनको मैंने 12 वोटों से हराया था। उन्होंने वही चीज़ किया है जो मेरे 7-8 लोग हैं जो एससी समाज के हैं, उनको कुछ लालच दे के उनके घर की मजबूरी का फ़ायदा उठा के इनको ले गए हैं। अंदर 2-3 लोगों ने यह कह दिया कि हमको पता नहीं हम यहाँ किस लिए आए हैं, और कुछ लोगों को तो सिग्नेचर करने भी नहीं आता, उन्होंने अंगूठा लगाया है। अभी जो महिलाएं अंदर हैं उसमें ये भी नहीं कंफर्म है कि वो बीडीसी हैं कि नहीं है। ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र रचा गया है, जिस तरह से पैसे के दम पे खरीदने की कोशिश करी गई है बीडीसी को। आप विश्वास रखिएगा, विश्वास नहीं आएगा, प्रमुख जी रहेंगे। चलिए, अविश्वास प्रस्ताव है, किन लोगों ने प्रस्ताव लाया है, कितनी काउंटिंग हुई अभी तक? विकास खंड रामपुर तहसील मड़िया हूँ मैं। कुछ सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सभी सदस्यों को सामने उपस्थिति उनकी दर्ज करा कर के हस्ताक्षर बनवाए गए, तस्दीक किया गया है। कितने लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव में अभी वो किया है? प्रार्थना पत्र में 57 लोगों के नाम अंकित हैं, जिसमें 56 लोगों को तस्दीक किया गया, एक व्यक्ति उपस्थित हैं, एक सदस्य। आप लोग खड़े हो जाइए, आप लोग जाइए। एक बाइट दी थी, बस एक मिनट लगे। Thank you.
ए सत्यवीर भाई थोड़ा भैया एक बाइट दे दे बस एक मिनट गोपा भरा हुआ तू कोई को ले 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 ये बोतलवा हटा बोतलवा प्रमुख जी आइए बिस्तर जी देख लो कहो आइए बिस्तर जी आइए
हाँ तो पीछे रहेंगे तो हमने कवरेज साथ में है भाई।